उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले की तिरवा विधानसभा में सहकारी विकास बैंक के अध्यक्ष पद के लिए हो रहे मतदान के दौरान जमकर बवाल हुआ। बवाल के दौरान एक पक्ष ने जमकर पथराव किया। पथराव में ठटिया थाना अध्यक्ष राजकुमार और एक अखबार के पत्र घायल हो गए। बताया जा रहा है कि आज सुबह जब मतदान शुरू हुआ तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हंगामा काटने लगे। सपा कार्यकर्ताओं का आरोप था कि पुलिसकर्मी और भाजपा नेता सपा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने वालों को अपने मताधिकार करने से रोक रहे थे। इस बात को लेकर सैकड़ों की संख्या में सपा कार्यकर्ताओं ने रोड पर बैठकर हंगामा काटा। सपा नेताओं का आरोप था कि मतदान केंद्र के अंदर पीली पर्ची धारकों को ही मतदान करने की अनुमति थी। मतदान केंद्र में पूर्व विधायक और भाजपा विधायक कैलाश राजपूत सपा मतदाताओं को वोट डालने नहीं दे रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि मतदान पर्ची में भी भगवा रंग की कर दी गई है। आप आज भूमि विकास बैंक में वोट पड़ रहे थे, प्रशासन की सहाय पर भारतीय जनता पार्टी ने इशारा प्रशासन से करा दिया कि पीली पर्ची जिनकी है उन्हें वोट डालने दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी वालों ने पहले से पीली पर्ची छपा रखी। पीली पर्ची, मैं पूछना चाहता हूँ, पर्ची का भी रंग बांट दोगे? अरे भगुआ, देश को बांटने वाले लोगों, तुमने तो आज मतदान का तरीका भी बांट दिया है। मैं आज जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की गई, हम समाजवादी लोग अन्याय के खिलाफ संघर्ष करते रहेंगे। तो फिर कहते हैं प्रशासन हटा लो 5 मिनट के लिए, देखे कौन वोट डालता है। जब हम लोग जाते हैं तो प्लस पुलिस प्रशासन हम लोगों पे लाठियां बरसाता है। वहीं भारतीय जनता पार्टी का पूर्व विधायक अरविंद प्रताप और वर्तमान विधायक कैलाश राजपूत हमारे वोटरों को भगा देता है, अपने हाथ वोट डाल रहा है। ऐसी शर्मसार सरकार, ऐसी लोकतंत्र हत्या करने वाली सरकार हमने पहली अपने जीवन में देखी। लेकिन बताना चाहते हैं, हर तानाशाह अपने कब्र का इंतजाम स्वयं करके जाता है। तो वहीं एक मतदाता ने बताया कि भाजपा नेताओं ने पुलिस के सामने सपा के पक्ष में वोट डालने से रोका, लेकिन पुलिस मौन होकर देखती रही। छीन ली गई, प्रशासन ने कुछ नहीं कहा? अच्छा। मौके पर पहुंचे जिलाधिकारी ने कहा कि दोनों पक्षों में वोट डालने को लेकर हंगामा हुआ था, लेकिन लगातार वोट डाले जा रहे हैं, किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी की सूचना नहीं है। प्रक्रिया जो है 10 बजे से शुरू हुई है। यहाँ दोनों पक्षों को लोग आपस में थोड़ा बहुत कहा सुनी किए हैं और एक पक्ष की तरफ से बताया गया कि पथराव भी किया गया है, लेकिन रेस्ट जो वोटिंग की स्थिति है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हर आदमी जो वोट देना चाहता है वो अपना वोट दे सकता है, किसी को कोई रोक नहीं, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोग खुद मौके पर मौजूद हैं। अभी वोटिंग हमारी 4 बजे तक है। इवन 4 बजे तक जो लाइन में लग जाएगा, चाहे जितने लोग होंगे उनका सबका वोट पड़ेगा और किसी को वोट देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जानकारी के अनुसार हंगामा कर रहे सपा कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी, लेकिन हंगामा कर रहे सपा कार्यकर्ता एक जगह इकट्ठा हो गए और पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। तत्काल आला अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को काबू में किया। मतदान शांतिपूर्ण कराने के लिए पुलिस ने पूरे इलाके को छावनी बना दिया है। पंजाब केसरी के लिए कन्नौज से नित्या मिश्रा की रिपोर्ट।